हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अवी। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो एक काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ये वीडियो को शेयर कर देना आपके फ्रेंड तक अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ बोल देता हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये। आज के टॉपिक में हम लोग करने क्या वाले हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट विथ क्लेमेंसन रिडक्शन। लेट्स स्टार्ट विथ क्लेमेंसन रिडक्शन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन है क्या? क्लेमेंसन रिडक्शन हम लोग का है अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप कन्वर्ट होता है किसके अंदर? अल्केन में कन्वर्ट होता है। अल्डिहाइड एंड कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन कंपाउंड। यही हम लोग का क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर हम लोग यूज क्या करते हैं, यूज करते हैं हम लोग जिंक यूज करते हैं। विथ किसके साथ यूज करते हैं हम लोग? मर्क्यूरी के साथ यूज करते हैं, जैसे जिंक अमालगम हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे वो हम लोग का क्या होने वाला है, अल्केन बनेगा। कौन से कंपाउंड से बनेगा? हम लोग का अल्डिहाइड एंड कीटोन से बनेगा बाय यूजिंग जिंक अमालगम। और ये कौन से कंडीशन में रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मतलब एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। जैसा कि आप समझ रहे हैं, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होगा और बनेगा क्या? अल्केन बनेगा। डेट इज जो हम लोग का कीटोन या फिर कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा दो हाइड्रोजन लेके CH2 में। यही चेंज होने वाला है। रिएक्शन देखेंगे तब हम लोग को बहुत ही क्लियर हो जाएगा। उसके पहले हिस्ट्री देख लेते हैं कि कब आया ये रिएक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1913 में फर्स्ट टाइम क्लेमेंसन रिडक्शन डिस्कवर हुआ। किसने डिस्कवर किया? क्लेमेंसन ने डिस्कवर किया। आरिक क्लेमेंसन ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। अभी हम लोग करते हैं रिएक्शन एग्जाम्पल्स के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिएक्शन में वी हैविंग व्हाट, क्या है अपने पास यहाँ पे? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अब होगा क्या ही इसके अंदर? हम लोग का जो ऑक्सीजन एटम है ये निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन के जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। ऑक्सीजन के जगह पे हम लोग का क्या आने वाला है? हाइड्रोजन आने वाला है। वन ऑक्सीजन निकलेगा, आएंगे क्या? टू हाइड्रोजन एटम। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आया कहाँ से हाइड्रोजन? हाइड्रोजन आया HCl के साथ, HCl के वजह से। किसके वजह से आया? HCl के वजह से। एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होने वाला है, जिंक अमालगम यूज करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान देना। हम लोग का होगा क्या, जो भी कीटोन या फिर अल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीजन निकल के अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यही होने वाला है। एक एक एग्जांपल देखते। जैसा कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, सामने यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, कीटोन को किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। अंडरस्टैंड? यहाँ पे भी देख सकते हैं, सेकेंड वाले में अल्डिहाइड है क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है। दिस कंपाउंड इज व्हाट? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में जैसे ही हम लोग एसिडिक कंडीशन में मर्क्यूरी जिंक अमालगम यूज करेंगे, कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? अल्केन फॉर्म होगा। हम लोग का टोलुइन बन गया। क्या बन गया? टोलुइन बन गया। मतलब अगर हम लोग को अल्डिहाइड या फिर कीटोन कंपाउंड से कोई भी अल्केन कंपाउंड अगर फॉर्म करना है, क्लेमेंसन रिडक्शन इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो देखते हैं इसका। यहाँ पे रिएक्ट मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में मैंने क्या बताया, कौन से कंडीशन में रिएक्शन होगा? कौन से कंडीशन में होगा? एसिडिक कंडीशन में होगा। मतलब अपने को चाहिए क्या? प्रोटॉन चाहिए।
सो ये होगा क्या रिएक्शन के अंदर? नाउ सी, ये हम लोग का जो ऑक्सीजन एटम है ये अटैक करेगा ये प्रोटॉन के ऊपर और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ आ गया? ऑक्सीजन के पास। बट होगा क्या, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। नाउ इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है। क्या होगा? इसके अंदर जो जिंक है हम लोग का, वो अटैक करेगा कहाँ पे? कार्बन के ऊपर। कौन से कार्बन पे करेगा? कार्बोकटायन के पास करेगा, बिकॉज जिंक हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे हुआ? अमालगम से, मर्क्यूरी से जैसे ही निकला तो उसके पास आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड फॉर्म करेगा विथ कार्बन एटम। ओके, सो जिंक क्या करेगा? कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिंक ने कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब बॉन्ड तो फॉर्म कर लिया, अब जिंक के ऊपर दो वैलेंसी होता है, तो यहाँ पे एक है, तो इसके लिए एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिंक के ऊपर। नाउ अब इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। सो क्या करेंगे हम लोग? क्लोरीन इसमें डालेंगे। सो क्लोरीन अटैच हो जाएगा किसके साथ? जिंक के साथ अटैच हो जाएगा। कौन अटैच होगा? क्लोरीन। क्लोरीन अटैच हो गया विद जिंक के साथ। और होगा क्या? ये अपने को नहीं चाहिए तो निकालना है ना, ऑक्सीजन चाहिए क्या? नहीं चाहिए तो निकालना है, तो इसको एक और प्रोटॉन दे दो पहले। तो इसको क्या किया? एक प्रोटॉन दे दिया। सो यहाँ पे प्रोटॉन अटैच हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जैसा कि बताया था, जिंक अटैच हो जाएगा क्लोरीन के साथ। नाउ अब ये क्या कर सकते हैं? वाटर को इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, तो वाटर को क्या करेंगे? निकाल देंगे। सो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? वाटर को यहाँ से निकाल देंगे, तो वाटर निकल गया। ओके, चलो वाटर निकाल दिया। वाटर निकालने के बाद हम लोग का ये कंपाउंड बचा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। जिंक चाहिए क्या? क्लोरीन चाहिए क्या? नहीं चाहिए, अपने को हाइड्रोजन चाहिए। सो क्या करना पड़ेगा? इसको निकालना है यहाँ से। ओके, तो सबसे पहले निकालेंगे क्लोरीन को। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग का एक दूसरा जिंक जो है वो अटैक करेगा और ये क्लोरीन को लेके निकल जाएगा ZnCl के फॉर्म में, जिंक क्लोराइड के फॉर्म में निकल जाएगा। ओके, सो क्या होगा हम लोग का? जिंक क्लोराइड निकल चुका है, निकल गया। अब क्या होगा? जिंक के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, ये रीअरेंज हो जाएगा तुरंत ही, तो माइनस आ जाएगा कार्बन के पास और प्लस आ जाएगा जिंक के पास। तो यही रीअरेंजमेंट यहाँ पे होने वाला है। ओके, ध्यान से देखते रहिए। सो अरेंजमेंट हो गया यहाँ पे, और क्या हुआ? कार्बन के ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? निगेटिव आ गया तो इजीली क्या ले सकता है? प्रोटॉन ले सकता है, यस। तो ये क्या करेगा? H प्लस आयन लेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अभी भी अपने पास एक एक्स्ट्रा जिंक अटैच होगा हाइड्रोजन, उसके बाद अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन अटैच हो चुका है लेकिन जिंक अपने पास है अभी भी। तो क्या करेंगे? वापस सेम प्रोसीजर से क्लोरीन अटैक करेंगे और जिंक के साथ निकल जाएगा ZnCl के फॉर्म में। अब आपको पता ही है क्या करना है, क्या करना है बताओ? प्रोटॉन डाल देंगे, बचा था वो डाल दिए, तो यहाँ पे प्रोटॉन अटैच हो जाएगा और अपना जो कंपाउंड है अल्केन फॉर्म हो गया। सो दिस इज कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, यहाँ पे लास्ट में आप एक पूरा एक साथ देख सकते हैं मैकेनिज्म। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो। ओके, ले लिया। चलो देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म एक बार पूरा कंप्लीट एक ही में। सो जैसा कि देख सकते हैं, कार्बन से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन टू ऑक्सीजन। ये क्या करेगा? प्रोटॉन लेगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ जिंक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अटैक करेगा और जिंक अटैच हो गया। जिंक पॉजिटिव है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है ना, तो क्लोरीन डालेंगे यहाँ से, और साथ में OH के पास लोन पेयर है तो ऑक्सीजन प्रोटॉन लेगा साथ में। जैसे प्रोटॉन लेगा OH2 हो जाएगा, निकल जाएगा वाटर। वाटर इजीली निकल जाता है, तो वाटर क्या कर दिया? निकाल दिया। तो क्या आ गया? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज।
क्लोरीन चाहिए क्या, जिंक चाहिए क्या, नहीं निकालना है तो पहले हम लोग एक जिंक डालेंगे और ये वाले क्लोरीन को निकाल देंगे। सो जिंक क्लोराइड के फॉर्म में वो निकल गया। अब ध्यान दो यहाँ पे जिंक के ऊपर निगेटिव है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, रीअरेंज कर दो ना, रीअरेंज कर देंगे तो कार्बन के ऊपर निगेटिव आ गया और जिंक के ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब एक प्रोटॉन डाल दो, प्रोटॉन डाला, अटैक करेगा किधर, कार्बन के पास, क्योंकि निगेटिव है प्रोटॉन, पॉजिटिव है, अटैक करेगा कार्बन पे जाके। ओके सो यहाँ पे कार्बन के पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा। ओके अब क्या करना है अपने को, ये दूसरा जो जिंक बचा है इसको चाहिए क्या, नहीं चाहिए, निकाल दो, क्लोरीन डाल के जिंक क्लोराइड के फॉर्म में निकाल देंगे। अब हो गया हम लोग का कार्बन के ऊपर लास्ट में बचा है निगेटिव एक, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और प्रोटॉन ऐड करो, ऐड कर दिया प्रोटॉन, अटैक करेगा और हम लोग का बन जाएगा अल्केन। सो दिस इज कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके नाउ एक लास्ट चीज पे ध्यान दो, बस यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन में डिफरेंस क्या है। क्लेमेंसन रिडक्शन हम लोग का एसिडिक कंडीशन में होता है और वुल्फ किशनर हम लोग का बेसिक कंडीशन में होता है, यही एक मेजर डिफरेंस है। ओके सो इसके लिए बोला था आपको लास्ट तक बने रहिए, तो आपको दो क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके क्लेमेंसन एसिडिक कंडीशन में एंड वुल्फ किशनर बेसिक कंडीशन में होता है। सो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना तो भूलना ही नहीं। थैंक यू सो मच।